अच्छा क्या होता है थोड़ा बताओ मुझे, जब लॉक लग गया तो उससे क्या होता है? मतलब पापा जी के जो मेरा जेड़ा मुंह है ना वो बिल्कुल थोड़ा जे खोलता है। कितना खुलता था? बस इतना, मतलब पूरा नहीं है ना, ऐसे थोड़ा सा खुलता था। जो मैं ज्यादा पूरा मुंह खोलती हां तो बहुत ज्यादा वाली जगह पे दर्द होती ही थे। हां जिवे कोई चीज अड़ती ही हड्डी वगैरह से। कितनी की दर्द थी पापा जी? बहुत ज्यादा, कुछ खादा नहीं जांदा। मतलब बर्दाश्त करने से भी बाहर थी। अच्छा मुंह में लॉक लग गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला, कुछ नसें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उस नसों को ब्लॉक करने पड़ेगा नाड़ा। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम रूबी है और जे सोया कॉलोनी के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि 4 महीने हो गए थे इनकी राइट साइड की जो दाढ़ थी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण जे सिस्टर काफ़ी परेशान हो चुके थे। जे बता रहे कि इस प्रॉब्लम के कारण जे खाना भी नहीं खा सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम थी। और जे बता रहे कि जैसे जे सिस्टर खाना भी नहीं खा सकते थे और जो बता रहे कि जो धन्यवाद करते थे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आज़ाद कर चुके हो। और जो बता रहे कि जो लगातार विश्वास में बने थे, जो कि जो इस मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है पॉजिटिव और पॉजिटिव अंगीकार कर रहे थे कि परमेश्वर जो जो इन्फेक्शन है जो मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर मेरी दाढ़ को बिल्कुल अच्छा कर चुके हो। और ये बता रहे कि लगातार जो धन्यवाद दे रहे थे पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब बता रहे कि जब इन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया तो जब बता रहे कि डॉक्टर ने इनको कहा कि आपकी दाढ़ में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपकी जो दाढ़ है वो उसका ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेट करना होगा। और जो एक दाढ़ है उसको ही नाड़ों को ब्लॉक करना होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेशा भर गया है। तो जैसे डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला तो सिस्टर आप थोड़ा बताइए, जब डॉक्टर ने आपको कहा था कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसके लिए ऑपरेशन करना होगा और एक दाढ़ की जो नाड़ों ब्लॉक करनी होगी, तो आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे और आपको क्या सोच रहे थे उस समय आप? जैमसी पापा जी, जैमसी मम्मा जी और सारी कलीसिया ने मेरे वालों जैमसी दी। मेरे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहती सी, मेरे को रोटी भी नहीं सी खाधी जाती, मतलब मैं सॉफ्ट रोटी खा सकती हाँ क्योंकि चबाउन वाली कोई भी चीज़ मेरे को खाधी नहीं सी जाती क्योंकि मेरा जोड़ा मूँह आ वो बिल्कुल थोड़ा जि खोलता सी, तो ज़्यादा मूँह मेरा नहीं सी मैं खोल सकती क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि दाढ़ी खराब हो गई है पूरी तरह, तो ताड़ी दाढ़ दे विच रेशा भर गया वा और इन्फेक्शन के कारण लॉक लग गया वा ताड़े मूँह दे विच, ते ओ लॉक के कारण ही ताड़ा मूँह जड़ा वो खुलदा नहीं पिया, ते इस करके मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुंदी सी, ते मैं बड़ी परेशान सी, ते मैनू ते बहुत ज़्यादा डर लगदा सी कि किवें नाड़ा ब्लॉक करनगे ते किवें मतलब करनगे, इस गल तो मैं बड़ा डरदी सी। और जब डॉक्टर ने आपको बताया क्योंकि आपका मुँह खुल नहीं पाता था और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और फिर अपने अपने जीवन में जैसे खुदा के दास हमें बताते हैं सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है, फिर आपने कैसे अपने जीवन में विश्वास से प्रैक्टिकल किया? मैं जदों परमेश्वर दे दास हीलिंग प्रेयर करते सी ते मैं उदों यही विश्वास करती सी, मैं उदों यही मांगती हुंदी सी कि परमेश्वर जी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मैनू करवाउण दे लई कहा वा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा सी कि ये बिना ऑपरेट तो नहीं सही होनी प्रॉब्लम, चाहे तुसीं जिन्नी मर्जी मैडिसिन खा लो तुहानूं अपनिया एक दाढ़ तुहानूं कढवाउणी पैणी आ ते एक दाढ़ दीआं नाड़ां ब्लॉक करवाउणियां पैणियां वा, फिर ही ये सही हो सकती आ। पर मैं यही प्रार्थना करती हुंदी सी उस समय, मैं रिसीव करती सी कि परमेश्वर जी तू ही परमेश्वर जी जो डॉक्टर ने मैनू ट्रीटमेंट करवाउण दे लई बोलिया वा मैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवाउणा चाहुंदी, परमेश्वर तू ही मेरा ट्रीटमेंट खुद कर चुके जो ते मैनू इस प्रॉब्लम तो तुसी टोटली आज़ाद कर चुके जो। और जैसे कि आप पूरा 4 महीना इस तकलीफ़ में रहे थे और जब आपने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, विश्वास से धन्यवाद देना शुरू किया, जैसे कि वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो जैसे खुदा के दास भी हमें बताते हैं कि कभी भी अपने मुँह का अंगीकार गलत नहीं करना, अपने धन्यवाद करना है कि परमेश्वर
कि आगे कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, वो परमेश्वर हर प्रॉब्लम का हल करने की ताकत और सामर्थ रखता है। और जैसे फिर उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, धन्यवाद देते रहे। तो सिस्टर जी, फिर कितने समय में परमेश्वर ने आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से फ्री कर दिया? मैनू 3-4 महीने तो प्रॉब्लम के विच में रही, फिर मैं जो डॉक्टर को मेडिसिन ली, 4 दिन मैं मेडिसिन खाधी है, बाद विच मैं मेडिसिन नहीं लैन गई। फिर मैं लगातार प्रार्थना दे विच बनी रही, फिर मैनू तो याद भी नहीं है, परमेश्वर ने मैनू बड़ी जल्दी फ्री कर दिता। तो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती कि इन्नी जल्दी परमेश्वर ने मेरे जीवन के विच काम किया बिना मेडिसिन तो। और आपने इस प्रॉब्लम के बारे कभी भी टीम के साथ जहाँ परमेश्वर के दास के साथ कभी भी इस बात को नहीं किया था? नहीं किया, बस आपने धन्यवाद और जो परमेश्वर के दास हमें टीच करते प्रैक्टिकल आपने अपने जीवन में किया। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि लगभग 1 महीना हो गया है। हाँ जी, 1 महीना हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो सच में क्लीसिया, जैसे परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इस सिस्टर को फ्री किया, क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास हमें टीच करते कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करें, वो परमेश्वर आपके साथ भी है, वो परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। जैसे इस बहन ने भी अपने जीवन में उस विश्वास से प्रैक्टिकल किया, धन्यवाद किया, तो जब बता रही कि जो 4 महीने की प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेट करना होगा और जो एक दाढ़ खराब हो गई थी उसकी नाड़ी ब्लॉक करनी होगी, पर सच में क्लीसिया परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से आज पूरी तरह इस प्रॉब्लम से इन्हें फ्री कर दिया। धन्यवाद करे क्लीसिया, तारीफ करे जोर से। जय मसीह पापा जी। जय मसीह। सबने गवाही को सुना? कितनों ने सुना है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना है। मुझे इसकी गवाही में सबसे बड़ी बात ये मुझे अच्छी लगी, इसे ये प्रॉब्लम 3-4 महीने से, कितनी थी बोलो, 3-4 महीने से इसकी उसको ये प्रॉब्लम थी। क्या 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 कहा था डॉक्टर ने? पापा जी, डॉक्टर ने कहा है कि दाढ़ तुहाडी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो रेशा बहुत ज़्यादा भर गया वा, तो यदि वजह के कारण मुँह के लॉक लग गया वा, तुहाडे दर्द बहुत ज़्यादा होंगी। मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि मुँह में लॉक लग जाता है दाढ़ में कुछ ऐसे से होने से। अच्छा, क्या होता है थोड़ा बताओ मुझे, जब लॉक लग गया तो उससे क्या होता है? मतलब पापा जी के जो मेरा जो मुँह है ना, वो बिल्कुल थोड़ा जहा ही खुलता। कितना खुलता था? बस इतना, मतलब पूरा नहीं है ना, ऐसे थोड़ा सा खुलता था। जो मैं ज्यादा पूरा मुंह खोलती हां ते बहुत ज्यादा आवली जगह ते दर्द हुंदी ही ते हां, जिवें कोई चीज अड़दी ही हड्डी वगैरह। कितनी के दर्द थी? पापा जी बहुत ज्यादा, कुछ खादा नहीं जांदा, मतलब मुश्किल, जैसे बर्दाश्त करने से भी बाहर थी, है ना? हां जी, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। कई बार हम ऐसी गवाहियों को सुनते एक ही गल है, दौड़ विच दर्द रेशा भरिया, अच्छा मुँह में लॉक लग गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला, कुछ नसें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उस नसों को ब्लॉक करनी पड़ेगी नाड़ा, क्योंकि हमारे जिस खुदावंद ने हमें बनाया है, हमारे दांतों को बनाया, हमारे मुंह को बनाया, तो उसमें ऐसे वाल की जैसे जैसे ना ऐसी छोटी छोटी बरीक बरीक हमारे दांतों के दाड़ों के अंदर बरीक बरीक नाड़े होती, क्या होती बोलो, ब्रीक ब्रीक मुंह नाड़े होती है। और ब्लॉक करने का मतलब है कि जो वो काम करती हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी बंद करना पड़ेगा। पर मुझे इसकी गवाही से सबसे बड़ी और मेन बात यह लगी कि इसे 3-4 महीने से यह प्रॉब्लम शुरू हुई, इसने एक भी बार मुझसे कभी बात नहीं कही, जबकि ये टीम है, वर्शिप करती है बच्ची, बोलो क्या है, तो मेरी इनसे बात होती रहती है, बोलो क्या है, मेरी तो होती रहती है, कई चीजें मैंने इन्हें समझानी है, बतानी है, बोलो क्या है? फिर भी इसने एक दिन भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम के बारे शेयर नहीं किया कि पापा जी मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरा हालात, मुझसे खाया पिया दर्द बहुत है, डॉक्टर ने ये कह दिया वो कह दिया, मुझसे बोला नहीं जाएगा, हाँ मुझसे वर्शिप नहीं होगी, मुझसे बोला नहीं जाएगा। जे विश्वास में बनी रही, क्या रही बोलो, धन्यवाद देती रही परमेश्वर को, और जो भी वचन सुनती थी
मास प्रेयर को रिसीव करती थी, इसे पता था ना। बोलो क्या, क्योंकि करना किसने? कई लोग शरीर में होते तो वो कई बार मन खराब करते, लै जी हम हानू पुछिया नहीं जी, लो जी साड़ी सुनी नहीं जी, असी हालात विच सी जी ऐसे से। क्योंकि चंगा किसने करना है, चंगा किसने करना है? किसका वचन तुम्हें चंगा करता है? किसकी प्रार्थना तुम्हें चंगा करती? वो तो तुम हर संडे सुनते ही हो, हर बुधवार संडे सुनते सुनते हो ना, समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि ऐसा मन, ऐसा विश्वास इस पूरी मंडली का खुदा बनाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर वो शरीर में है, अगर किसी ने फोन नहीं उठाया, बात नहीं हुई, बोलो क्या है, जहां टीम में ऐसे जो हो, जो परमेश्वर का आत्मा जो मुझसे सुनते हैं, अगुवाई करता है, उनके मन में आया तुम ये काम करो, तुम इस तरीके से विश्वास करो, ये वचन पढ़ो, ऐसा करो, तो वो शरीर में होंगे तो बोलेंगे लो जी प्रार्थना नहीं की थी, वो मन खराब करेंगे। तो शरीर में कभी भी नहीं जाना, क्योंकि शरीर का जो विषय वो बड़ा खतरनाक है। बोलो क्या है, हमने प्रार्थना करने के लिए फोन किया, ये पता नहीं हमें क्या कह दें, हो सकता वो मन खराब करें, हो सकता कल को वो यहां पे आए भी ना। ये सबसे खतरनाक विषय, और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मन को खराब करना। इसलिए इसमें आप तगड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? बोलो तगड़े हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितने महीनों से इसे प्रॉब्लम शुरू हुई है, एक दिन भी इसने शेयर नहीं किया। कितने लोग ऐसे विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बड़ी है, पर जब विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे मैंने ऐसी गवाहियां भी सुनी जिन लोगों ने मेरे प्रैक्टिकल को, मेरे विश्वास को सुना, कि जब मेरे भी जीवन में हालात आए तो मैंने अपनी मिसेस खुदा की दासी को भी नहीं कभी बताया कि मुझे ये समस्या है। तो कई लोगों ने सुनकर सेम वैसा प्रैक्टिकल किया और खुदावंद से काम लिया। कितने मेरी बात समझ रही है? और जितने ऐसे चलेंगे वो ज्यादा उत्तम जीवन जिएंगे। आमीन। इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े विश्वास के लिए जोर से तारीफ कर दो फिर से एक बार, जोर से, जोर से।